बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की पर्सनल लाइफ हमेशा गॉसिप से भरी रही है। बता दें, बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के दौरान उनका नाम कई एक्ट्रेसेस से जुड़ा है, जिनमें दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ भी शामिल है। हालांकि रणबीर को उनकी एक्स दीपिका ने धोखेबाज का टैग भी दिया था। हाल ही में हमारी नजर रणबीर के एक पुराने वीडियो पर पड़ी, जिनमें उन्होंने एक तरकीब बताई कि वह किसी और को डेट करते समय दूसरी लड़कियों के साथ भी कैसे रह सकते थे। हाल ही में हमने कॉफी विद करण से रणबीर कपूर का एक वीडियो देखा, जिसमें वह इमरान खान के साथ नजर आए थे। वीडियो में करण जौहर रणबीर को कहते हैं कि उनके फोन में देखना एक बहुत बड़ा टास्क है। इस पर रणबीर कपूर ने एक राज खोला और बताया कि वह अपने फोन में अपने मेल फ्रेंड्स के नाम से दूसरी लड़कियों के नाम सेव करते हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी शेयर करते हुए रणबीर ने एक और तरकीब का खुलासा किया और बताया कि वह अपने फोन में लड़कियों के नंबर को बैटरी लो के नाम से सेव करते थे। इस तरह अगर वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते थे और अगर कोई दूसरी लड़की कॉल करती तो फोन पर लड़की के नाम की जगह बैटरी लो फ्लैश होता था। करण ने पूछा कि क्या उनकी किसी गर्लफ्रेंड ने कभी इसका इस्तेमाल किया है और क्या किसी ने उनकी बैटरी लो ट्रिक आजमाई है, जिस पर रणबीर कपूर ने हाँ कहा। बता दें, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हुआ करते थे। वे एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करने से कभी नहीं कतराते थे और अक्सर साथ में ही दिखते थे। दीपिका तो रणबीर के प्यार में इस हद तक पागल थी कि उन्होंने अपने गर्दन पर रणबीर के नाम के पहले अक्षर का टैटू भी करवा लिया था। हालांकि कुछ सालों तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों अलग हो गए। रणबीर ने कभी भी अपने ब्रेकअप के पीछे का कारण शेयर नहीं किया, लेकिन दीपिका ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वह एक्टर पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उस रिलेशन से मूव ऑन करना आसान नहीं था, उन्हें काफी समय लगा, लेकिन फाइनली वह हमेशा के लिए आगे बढ़ गई।